के चलते सभी त्योहारों को सरकार की गाइडलाइन के आदेशों के अनुसार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण नगरी मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्माष्टमी महोत्सव गाइडलाइन के मुताबिक ही मनाया जाएगा। पुराण काल से पहले दौर में श्री कृष्ण का जन्म स्थान पर होने वाले महोत्सव को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती थी, लेकिन इस बार महामारी के बीच यह त्योहार सरकार की जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को बड़े ही अद्भुत नजारे के साथ सजाया गया है और यह दृश्य किसी दुल्हन से कम नहीं नजर आ रहा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली सजी तो है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। ना तो क्षेत्र के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जन्म स्थान पर जाएंगे और ना ही देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालु जन्म स्थान तक पहुंचेंगे। सिर्फ और सिर्फ वहां मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ही मौजूद रहेगा, जिसकी कवरेज के लिए मीडिया को पासों के माध्यम से अंदर जाने की अनुमति दी गई है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। सौरभ कुमार मिश्रा, रायबरेली से हम आए। आप यहाँ दर्शन करने आए और यहाँ जो लाइटिंग है, क्या कहेंगे इसको देखकर, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत सुंदर, अच्छी लाइटिंग है और अच्छा व्यवस्था किया गया है सुंदरीकरण के लिए, और जन्माष्टमी का समय है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगेगा। ऐसे में अभी आप श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट के बाहर खड़े हुए, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए, क्या बात का कष्ट है? लेट हो गए हम लोग, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा अफसोस हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि कल सुबह मॉर्निंग में दर्शन हो जाएंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? अरुण कुमार शुक्ला, प्रतापगढ़। कैसी अनुभूति हो रही है जिस तरह से श्री कृष्ण की जन्मस्थली को? श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पर आने पर पूरा शरीर ऐसा अभिभूत हो रहा है जैसे कि हम पहुंच गए हैं स्वर्ग में। क्या लग रहा है, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आपकी जो जन्माष्टमी है वो फीकी मनाई जा रही है कान्हा की नगरी में? मन जो है फीका नहीं हो रहा है, लेकिन इनके प्रति जो लगाव होना चाहिए हम लोगों का वही है। अब डर में ये डर जैसे समा गया है कोरोना का, लेकिन शरीर जो है मन मान नहीं रहा है आने के लिए, इसलिए हम लोग चले आए। हमने कहा कि जो कोरोना हो, जब उन्हीं की शरण में जाना है, कोरोना के माध्यम से पहुंच जाएंगे, पहुंचना है ही है वहीं पर, आज नहीं तो निश्चित कल। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।